कौन कह रहा है कि ये इंडिया का कोई पॉइंट है, मैंने तो आज तक नहीं सुना था ऐसा। ओ माय गॉड, क्या रोड है, देखो जरा यार ठीक कैसे हिल रही है बोट, मैं नहीं जा रहा। तो फाइनली हमारा सारा लगेज पैक हो गया, बाइक के ऊपर लगा भी दिया है। अब मैं आराम से सोऊंगा क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि हमें निकलना है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आपको पता है गर्मी तो अभी इतनी है ना, तो हमें उस हिसाब से जाना है कि आराम से एंजॉय करते हुए जाएं, राइड को मजा करते हुए जाए। कितने टाइम के बाद हमारी ये राइड हो रही है। अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं करने वाला, बहुत थकावट हो चुकी है, जाकर सीधा सोऊंगा। और बाइक को भी मैंने मतलब अच्छे से क्लीन व्लीन कर कर रख दिया ताकि सुबह कुछ ना करना पड़े, बस सेल्फ मारेंगे और निकल लेंगे। तो फिलहाल मैं आपको मिलता हूँ मॉर्निंग सीधा बाइक के ऊपर। इट्स 7 इन द मॉर्निंग और अब हम निकले हैं घर से। तो अब हमारा यहाँ से सफ़र स्टार्ट होगा और हम जाएंगे आज फर्स्ट डे मसूरी और वहाँ पर स्टे करेंगे। बट अभी हमने कोई ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करा, तो रास्ते में ब्रेक लेंगे ब्रेकफास्ट का। उससे पहले हमें पेट्रोल डलवाना है, तो प्रीत विहार पेट्रोल पंप से इसको फुल कराऊंगा और आप लोगों के लिए एक माइलेज व्लॉग भी बनाऊंगा। आज है थर्सडे, हमारी जो राइड है ये रहने वाली है संडे तक। अभी कुछ नहीं पता, एक्सटेंड होके मंडे ट्यूसडे भी पहुँच जाए, नॉर्मल फुल करना। तो मसूरी का रूट यहाँ से आ रहा है 268 किलोमीटर, इसमें टाइम आ रहा है 5 hours 35 minutes। अब देखते हैं हमारा कितने में कंप्लीट होता है, बट हम ब्रेकफास्ट करेंगे, बीच में ब्रेक लेंगे। यार एक प्रॉब्लम हो गई है स्टार्टिंग में ही, एक्चुअली दिल्ली टू मेरठ एक नया एक्सप्रेसवे बना है और हम गलती से उस पर आ गए हैं, और अब आकर यहाँ पता चल रहा है कि बाइक अलाउड नहीं है। एक भैया आगे बाइक पे जा रहे हैं, इनसे पूछता हूँ एक बार, इस रूट पे बाइक अलाउड नहीं है? अभी तो अलाउड है, बाद में नहीं होगी, अभी तो काम करता ना। अच्छा अभी जा सकते हैं। तो यार हमारा 46 किलोमीटर कवर हो गया और पता भी नहीं चला कैसे हो गया, मतलब ब्रेक लगाने की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और रोड देखो, मतलब अभी तक का लाइफ में मेरे फर्स्ट ऐसा इतना जबरदस्त रोड है ये। बट मैं बाइक को 80-90 बस 100 भी मैंने टच नहीं करवाया अभी तक, मतलब मैं विद पिलियन राइड कर रहा हूँ। हम दो जने हैं, टैंक बैग है, बैक पर भी एक बैग है, साइड में सैडल बैग्स है, तो मतलब बाइक में काफ़ी वेट, ओवर स्पीडिंग की जरूरत ही नहीं है। और मेरठ के लिए बोर्ड लगा आ रहा है, मेरठ रह गया यहाँ से 18 किलोमीटर। जाग रही है ना? एक्चुअली दीपिका को नींद आ रही है, पहले भी हुआ था शिमला जाते हुए भी रस्सी से बांधा था, इस बार मुझे लग रहा है रस्सी तो शायद नहीं, मतलब बंजी गोड़ तो नहीं, संगल होता ना संगल चेन जंजीर, उससे बांधना पड़ेगा। बट इस बार ये अच्छा है कि हम दोनों इंटरकॉम पे कनेक्ट हैं। इंटरकॉम बेस्ट है अगर आपने विद पिलियन राइड करनी है या किसी के साथ राइड करनी है, इंटरकॉम लेते हुए तो बिल्कुल सोचो भी मत, बेस्ट ऑप्शन है। और अगर यही इंटरकॉम मेरा उस टाइम भी होता जब मेरी अमृतसर राइड थी, तो शायद वो एक्सीडेंट भी ना हुआ होता। 1 किलोमीटर पे टोल है और अभी ना हम बस बच गए बिल्कुल, ये लगा लो बाइक चल रही थी, ऊपर से एकदम चील थी या पता नहीं गिद्ध थी क्या थी, बहुत ही बड़ी, एकदम ऐसे हमारी बाइक के आगे ना रोड पर आ गई और एकदम उड़ गई, जोर से ब्रेक मारी, मतलब नहीं तो बाइक उससे टकरा भी जाती। अभी तो मैं ओवर स्पीडिंग कर नहीं रहा, 70-80 चल रही है, बट सच में यार अभी मेरा कैमरा ऑन नहीं था, नहीं तो आप लोगों को दिखाता कि बस कैसे हमारी बाइक बची है। अब यार टोल आ गया, हमें यहाँ पर देखना है कि कैसे निकलना होगा। अभी हमारे पीछे कोई बाइक भी नहीं आ रही, कोई बाइक आ रही होगी ना तो सही रहता। ट्रैफिक पुलिस वाले तो हैं नहीं, हमें किधर से जाना है ये भी नहीं पता ना, अभी इधर से जाना होगा। तो कोई टोल अब नहीं आए तो बेटर है, एक टोल से तो हम निकल गए हैं। नींद आ रही है? हाँ नहीं, ये कौन सी नींद है, अरे यार बढ़िया हमारा हो गया हाईवे, यार ये तो सही आ गया यार हम इधर से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हमें एक्सप्रेसवे पे। राइट नाउ वी आर एट मेरठ। तो यार इस सीरीज को आपने बहुत प्यार देना है, ये सीरीज हमारी 5 से 7 व्लॉग में चलेगी और बस बहुत इंजॉय करेंगे मसूरी पहुंचकर। और ऐसी ऐसी जगह मैंने एक्सप्लोर करनी है जहां मैं अभी नहीं गया, मसूरी में बहुत बार गया हूं बट बाइक पे नहीं गया फर्स्ट, और उसके बाद जो हमने जगहों पर जाना है वहां पे हम कभी नहीं गए, तो हमारे लिए न्यू एक्सपीरियंस है। तो आप लोग भी मेरे थ्रू फर्स्ट टाइम देखोगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को तो यहीं लाइक करना, जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दीपिका क्या हुआ है यार, बता जरा अभी।
तू तो मेरे पास गिर गई थी मेरे ऊपर, तू च्युइंगम खा कुछ तो कर यार। अरे अभी तो 2 मिनट तो उठ जा, बाइक नहीं संभलेगी यार। अभी रुक के तुझे चाय पिलाता हूँ, रुक। तो गाइस मैंने अभी अभी टाइम देखा है, हमने एक्सप्रेसवे को 40 मिनट्स में कवर करा है, मतलब दिल्ली से 60 किलोमीटर हमारे 40 मिनट्स में हो गए यार। बहुत ही सही टाइमिंग रही है इस एक्सप्रेसवे की। सो नाउ इट्स टाइम टू ब्रेक, हमारे फर्स्ट ब्रेक का टाइम आ गया है, यहाँ पर हम करेंगे ब्रेकफास्ट। अरे ये क्या हुआ, ये कहाँ गया, ये वो शिवा नहीं है यार। अरे ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, अरे ये नकली शिवा है कोई यार, वो ऐसा नहीं था यार। यार ऐसे ही रुकना तो हम कहीं भी रुक जाएंगे ना। अरे भाई तू पागल हो गई क्या, 3 महीने हम हरिद्वार रहकर आए हैं, वापसी में ही तो खाया था। अच्छा तू तो पहले ही आ गई थी हरिद्वार से, तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे, कितना 10 दिन पहले आ गई थी शायद। 101 किलोमीटर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पर हम रुक गए हैं। एक्चुअली शिवा ढाबा यहाँ बहुत सारे हैं, पर जो हम ढूंढ रहे थे वो तो मिला नहीं है, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे हम आराम से आराम से आराम से आराम। तो एक बार आपको बाइक के लुक दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके की हमारी बाइक लग रही है और दीपिका की हो गई हालत ख़राब। हाय राम हेलमेट में बोल रही है बस। तो ये देखो कुछ इस तरीके का सेटअप लग रहा है, ये हमारे गोल्डन राइडर्स के बैग, बैग पे राइनोक्स का बैकपैक, टैंक पर हमारा गोल्डन राइडर का टैंक बैग, फुल लोडेड हिमालयन की लुक ही अलग लगती है। अभी देखो हमारे सैडल बैग बाइक पे लगे हैं, बैक वाला बैग भी बाइक पे लगा है, तब भी हमारा इतना सारा सामान हो गया टेबल के ऊपर। मतलब अभी हमें 1.25 घंटे हुए हैं घर से निकले हुए, 7:30 बजे हम निकले थे, 9:15 हो रहे हैं, 9:15 ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए हैं और यहाँ से हम रूट लेंगे जो सीधा हमें देहरादून लेके जाएगा, मतलब बीच में हरिद्वार नहीं आएगा, रुड़की से पहले से रूट कट जाता है। और एक्सपीरियंस अच्छा है, एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा था, हाईवे का भी मज़ा है, ये रूट बहुत अच्छा है, पहले कभी अच्छा नहीं होता था बट अब बहुत अच्छा है। और ब्रेकफास्ट करेंगे, परौंठे मंगाए हैं अपना और चाय, चाय नहीं अभी, हाँ चाय भी है, चाय भी आ रही है और परौंठे। बाइक का जो है माइलेज ब्लॉग अलग से बन रहा है, वो आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। मेरा जो टैंक है वो पहाड़ों से पहले खाली हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर चल रही है लिम्का ब्रेकफास्ट में, दीपिका के साथ में गैस की गोली और परौंठा आएगा उसके साथ चाय। चलो अभी लिम्का एंजॉय करते हैं, आप भी पी लो। बड़ा मुश्किल काम, बहुत ज़्यादा। ओके सो ब्रेकफास्ट हो गया हमारा और SJKM की बैटरी भी ख़त्म हो गई, तो उसको मैंने चार्जिंग पे इसके अंदर लगा दिया। ओहो वो कह रहा है फ़ोन का टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है इसलिए चार्ज नहीं हो रहा, चाहिए कुछ रहा तो नहीं हमारा। तो 103 किलोमीटर हमारे कंप्लीट हो गए थे और अभी हमें जाना है 171। थोड़ा सा रूट बीच में चेंज वगैरह को डाइवर्जन वगैरह हुआ तो 171 की जगह 175 लगा लो और 4 आवर्स की टाइमिंग आ रही है, मतलब इसमें जो टाइम आ रहा है पहुंचने का आ रहा है 2:10, क्योंकि हमने 1 आवर का ब्रेक लगभग ले लिया है। अब तो नींद नहीं आ रही ना, नेविगेशन पे कट यहीं दिखा रहा था बट ये बंद करा हुआ है, देख आगे से रॉन्ग वे पर आ रहा है ना यार, ये लोग बहुत काम खराब कराते हैं। अगर यही स्पीड में आ रहे हो और ओवरटेक करेंगे ना, और वैसे भी गलत साइड आ रहा है ये। तो यहाँ से हमारा हाईवे हो गया है चेंज, अब देखते हैं ये वाला रूट कैसा है। वो रूट तो बहुत अच्छा था, मतलब पूरे रोड के ऊपर ना एक गड्ढा नहीं था, एक नंबर रोड था वो वाला। और बाइक जो है वो कंप्लीट कर चुकी है 189.9 किलोमीटर, 190 किलोमीटर कंप्लीट हो गए। अभी हाफ टैंक से ज़्यादा पेट्रोल है, अब थोड़ा पेट्रोल ज़्यादा स्पीड में आ रहा है, मतलब सुई नीचे आ रही है, बट पहले बहुत कम चल रही थी। अब पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है, ये हिमालयन के फ्यूल जो ये सुई है इसमें पंगा है, ये एकदम से गिरती है। तो देखते हैं हमारी टोटल माइलेज कितनी निकलती है इसकी। लेफ्ट से निकल जाना चाहिए था, किस चीज़ का जाम आ गया, बैरीगेट आई थिंक है ना, हाँ चेकिंग है, एक एक गाड़ी चेक हो रही है, वही वही कोविड। हाँ नहीं नहीं यहाँ होती है चेकिंग। अरे तेरे को नहीं पता, हम बाइक पे है ना अभी इसलिए इतना नहीं, वो देख वो बना हुआ वहाँ चेकिंग, वहाँ कोविड टेस्ट हो रहे हैं। तो गाइस 218 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है और हिल स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम सहारनपुर वाली साइड से आए हैं, इधर से जो हिल्स हैं वो जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं और हरिद्वार वाले रूट से जाओ तो देहरादून के बाद स्टार्ट होते हैं। तो कितने दिनों के बाद एक बार वही नज़ारा पहाड़ों का स्टार्ट हो गया, बट अभी प्रॉपर नहीं है। और मसूरी जो टोटल है वो 55 किलोमीटर अभी बाकी है। parents, yeah,
ये पहला टर्मिनल आया हमारी तरफ से। बस इन्हीं वादियों का इंतजार होता है हमें जो इतनी दूर से हम आते हैं। और इन पहाड़ों के लिए आप लोगों को भी ये नज़ारा दिखा दूँ। देखो अभी तो स्टार्टिंग है पहाड़ों की, लेकिन जो उत्तराखंड के पहाड़ है और हिमाचल के पहाड़ में बहुत फर्क है। उत्तराखंड के जो पहाड़ होते हैं इनके जो मोड़ है ना बहुत ऊँचे ऊँचे होते हैं, मतलब एक एक मोड़ में पहाड़ जो है मतलब काफ़ी ऊँचा होता जाता है ये देखो, और बहुत धीरे बाइक निकालनी पड़ती है। बट हिमाचल के जो पहाड़ हैं वो लगभग प्लेन से ही होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊँचा उसमें नहीं आता, कहीं कहीं मोड़ आएगा, बट यहाँ तो एक एक मोड़ फुल थ्रिल वाला होता है। अभी हमें इतनी ठंडक नहीं लग रही ना, हमने असल में जैकेट के नीचे वो भी पहना हुआ है ना। गाइस मंसूरी के पहाड़ हमारे स्टार्ट हो गए, और ये जो शिव मंदिर है यहाँ पर मेन, यहाँ से पता चलता है कि मंसूरी के हम बहुत ही नज़दीक हैं। फिलहाल हम अभी अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, गर्मी से हालत ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ से देखो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, और इधर हम माथा बाहर से ही देख लेते हैं। है दीपिका, मेरे से नीचे नहीं देखा जाता यार, खाई में डर लगता है, चक्कर से आते हैं देख के। मैं सामने पहाड़ को नहीं देख पा रहा, मैं रोड को देख के चलाता हूँ बस बाइक, मेरी तो फटती है भाई नीचे देखने में। ओह माय गॉड, सामने देखो कितना खतरनाक नज़ारा है। मैं तो उधर देखूंगा नहीं, आप लोग देख लो कैमरे में, मैं तो भैया रोड देख के चलाऊंगा, फिर मुझे चक्कर नहीं आते। अगर मैं पहाड़ को देख कर बाइक चलाऊंगा तो फिर मेरे बस के नहीं है। क्या ही व्यू है यार यहाँ से, खतरनाक। तो काफ़ी सारे नए एक्सपीरियंस मिल गए हमें इस राइड के ऊपर, क्योंकि जो हमारा घर से ही पूरा रास्ता है वो हमें नया मिला, पहले एक्सप्रेस वे, उसके बाद पूरा हाईवे, और फिर जो हम दूसरे रूट से आए हैं वो भी इतना ज़बरदस्त था। अरे यार आग के पास मक्खी चली गई हेलमेट में, एक सेकेंड एक सेकेंड, कहाँ गई मक्खी? ओहो तुम्हारा रिजर्व लग गया है। ये है बरलोगंज, हम इधर भी जा सकते हैं अगर मसूरी खाली घूमने जाना है तो, लेकिन इधर कुछ है नहीं, मतलब खाली होता है बिल्कुल। मसूरी चलते हैं, छोड़ो यार, मानव होता तो यहाँ रुकवाता है ना ये देख, बट अभी हम ले जा नहीं सकते, उसके लिए जगह ही नहीं है हमारे पास। पेट्रोल पंप पता नहीं कहाँ पर होगा यार, पेट्रोल नहीं है बाइक में। मसूरी में पेट्रोल पंप हाँ आएगा आएगा आएगा, वहाँ से डलवाते हैं। चलो हो सकता है यहाँ पर कोविड टेस्ट चेक हो, यहाँ होगा। नहीं नहीं पर्ची है यहाँ तो, टिपिकल लियो पर्ची। कितने की पर्ची है? 12 रुपये। तो गाइज हमें तो यहाँ पर अभी तक तो कोविड के लिए रोका नहीं है, हमारी अभी तक कोविड की चेकिंग नहीं हुई है। अगर आगे चलकर होएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। और यहाँ से जो रूट है हमारा 24 मिनट 12 किलोमीटर रह गया है, और इधर का नज़ारा कुछ ऐसा है। बट यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ, बाइक जो है ना वो फर्स्ट सेकंड गियर में चल रही है, थर्ड गियर डालते हैं थोड़ी सी चलती है और वापसी सेकंड पे लाना पड़ता है। मतलब पहाड़ ऊँचे हैं काफ़ी, क्योंकि ये है मसूरी जिसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है, और हर बोर्ड पे यही लिखा होता है पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका स्वागत है, और पहाड़ों का जो राजा है वो है शिमला। तो मनाली कौन सा रिश्तेदार है यार, कोई कमेंट करके बताना यार मुझे। मतलब राजा रानी से तो हम बहुत बार मिल लिए, अब हमें इनके एक रिलेटिव जो मनाली है वहाँ जाना है, क्योंकि अभी तक मेरा मनाली का टूर नहीं हुआ, राइड नहीं हुई, मतलब मैं मनाली आज तक गया नहीं, चाहे कार पे चाहे बाइक पे, किसी पे भी नहीं गया। ट्रिप ए हम इतना ही रहने देते हैं जो चली है, और ट्रिप बी को हम ज़ीरो कर लेते हैं। चलो पेट्रोल हमारा डल गया, अब हम चलते हैं मसूरी, और कैमरा की बैटरी होने वाली है ख़त्म, तो अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, होटल चल कर ही इसको करेंगे आराम से चार्ज, क्योंकि हम बहुत थक चुके हैं यार, और मसूरी भी आ ही गया है। ओहो पार्किंग कर दी गया यहाँ, तो हम पहुँच गए माल रोड मसूरी लाइब्रेरी चौक, और यहाँ से हमारी स्लिप कटेगी बाइक ले जाने की, बट यहाँ से एंट्री दे दे बस। कितनी बाइक की भी? अच्छा टू व्हीलर फोर व्हीलर बढ़ गया है। फर्स्ट टाइम मेरी हिमालयन आ रही है माल रोड मसूरी में, और अब हम यहाँ पर देखेंगे कोई होटल अपने लिए। वैसे हम हमेशा रहते हैं मयूर होटल में, लेकिन उसमें पार्किंग नहीं है, और आज बाइक पर आए हैं। वैसे हम कार पार्क तो नीचे कर देते हैं, बट बाइक पर आए हैं तो हमें पार्किंग का इंतज़ाम करना पड़ेगा, तो हमें किसी और होटल जाना ही पड़ेगा। मसूरी पहुँच गए हम लोग, होटल ले लिया और रेस्ट भी कर लिया एक घंटा, फ्रेश हो गए हैं। बट इस व्लॉग का एंड हम यहीं करेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे टोटल राइड के बाद। वैसे मज़ा आया, मज़ा भी है, और देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी सज़ा भी है, क्योंकि पिलियन के लिए इजी नहीं रहता, बट फिर भी अच्छे से मुश्किल बहुत फिर भी अच्छे से रोल निभाया है। बट हम अब इस व्लॉग का एंड कर देते हैं, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, फिर मसूरी एक्सप्लोर करनी है। मैं आपको इधर वाला जो पार्ट है वो दिखाना चाहता हूँ, बट दिखा नहीं पा रहा क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करना है। तो आई होप आपने इन्जॉय करा होगा, यहाँ तक तो समझो कुछ भी नहीं था, ट्रेलर समझ लो बस, आगे बहुत कुछ आने वाला है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, आपको बहुत अच्छी सीरीज मिलने वाली है उत्तराखंड की, मज़ा आ जाएगा देख के। और बहुत टाइम के बाद हमारी राइड हो रही है, तो आप लोग देखो हमें
हमें भी अच्छा लगेगा। कमेंट करके अपना प्यार जरूर दो, ज़्यादा अच्छी लग जाए ना अगर सीरीज तो शेयर ज़रूर करना वीडियो को। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ हैंडल आ रहा होगा, फॉलो कर लो क्योंकि आपको यहाँ के सारे नज़ारे और अच्छे अच्छे पिक्स देखने को मिलने वाली है इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय। ये बताओ ये इतनी स्पीड, मतलब स्क्रिप्ट लर्न कर ही दिया तो इतनी जल्दी कैसे बोल लेते हो? मेरे से ऐसा नहीं जा रहा, मेरा यहाँ से होंठ कट गया। लेकिन मतलब कैसे बोल लेते हो? ट्राई ट्राईनेस हो गई। और मुझे भी सिखा दो, सीख रही हूँ धीरे धीरे।